अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ अपने वीकेंड का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। सनी डे देख के आपको लग रहा होगा कि शायद ये गर्मियों का कोई दिन है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन गर्मियाँ सितंबर में आके, जहाँ पे यूजुअली यहाँ सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी होती हैं, सुबह शाम अच्छी खासी सर्दी लग रही होती है, लेकिन इस दफ़ा सितंबर में आके कड़ाके की गर्मी पड़ रही है। तो सोचा चलें क्यों ना इससे फ़ायदा उठाया जाए, तो बच्चों को लेकर हम लोग बाहर निकल आए। यहाँ पे एक प्लेस है हमारे घर के पास, तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव पे। अक्सर आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा, हम वहाँ पे जाते हैं डक्स वगैरह को फीड कराने के लिए। इस सीज़न में आके वहाँ पे बेरीज़ की बुशेस लगी हुई हैं, झाड़ियाँ लगी हुई हैं ब्लू बेरीज़ की दोनों साइड पे। लोग आते हैं, चुनते हैं, खाते हैं। आप यकीन करें, इतनी कोई मीठी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट के मुंह में घुल जाती हैं। आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। इधर भी आपको ये बुशेज जो से साइड पे नज़र आ रही हैं, इनके ऊपर भी कुछ के ऊपर बेरीज लगी हुई हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है जो बेरीज हैं, बिल्कुल लैंड तक तकरीबन 1 माइल तक यहाँ पे बेरीज ही लगी हुई हैं। ये ब्लू बेरीज हैं जो से मैंने यहाँ पर आके पहली दफ़ा खाई थी, हमारे घर के पास जहाँ पर हम लोग पहले रहते होते थे। ये वाली झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा थी, तो हमें नहीं था पता ये फ्रूट होता है ना। नेबर्स ने बताया कि इसको आप खा सकते हैं। आप यकीन करें, जब खाया ऐसा मज़ेदार फ्रूट, थोड़ा सा शहतूत की तरह देखने में लगता है, लेकिन टेस्ट इसका जो सा बिल्कुल डिफरेंट होता है। यहाँ पे जो से इस सीज़न में आके ये आपको जगह जगह नज़र आएंगे, लोगों के घरों के बाहर लगी हुई हैं, रोड की साइड्स पर लगी हुई हैं। लोग यहाँ पर चलते फिरते खाते हैं, लेकिन जो मेरे बड़े वाले बच्चे हैं, आप यकीन करें, उन्होंने छोटे होते बहुत ज़्यादा खाई हैं। अब बड़े होके बच्चों को होता है कि इसके अंदर बग होगा, इसके ऊपर स्पाइडर होगी, हमने नहीं खाना। लेकिन छोटी बेटी है जो उनसे वीकली हस्बैंड के साथ आती है इस एरिया में, जब वीकेंड होता है, मैं घर के कामों में थोड़ा बिजी होती हूँ, बच्चे स्टडी कर रहे होते हैं, तो वो इसको लेके आते हैं। दोनों बाप बेटी यहाँ पर आके इंजॉय करते हैं। इसको सिर्फ हाथ ही लगाने की देर होती है, टूट के हाथ में आ जाती है। और इतना प्यारा इनका कलर होता है, यहाँ हस्बैंड है मेरे जो से वो तोड़ रहे हैं, कहते हैं मुझे ज़्यादा पता कौन से वाली ज़्यादा पकी हैं। जो से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं वो ज़्यादा मीठी होती हैं। ये हैं इनकी जो से झाड़ियाँ नज़दीक से, जो अभी रेड हैं ये कच्ची हैं। जब ये पक जाती हैं तो इनका कलर जो सा होता है डार्क पर्पल कलर का हो जाता है, तो उससे पता चलता है ये पक गई हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अपना बॉल लेके आए हुए थे, पानी लेके आए हुए थे, तो उसमें डाल के वॉश की। उसके बाद हमने इनको एंजॉय किया। यहाँ पे वापसी का टाइम हो चुका था, कहीं भी चले जाएं, आपने घर आके खाना, लंच, डिनर जो भी है बनाने बनाना होता है। मुझे आज फरमाइश आई हुई थी बेटी की तरफ से कि बिरयानी बनाई जाए, तो मैंने सोचा चलें बिरयानी बनाते हैं कुछ डिफरेंट करके। नॉर्मल सी बिरयानी तो हर वीक ही बनती है। यहाँ मैंने लेग एंड थाई ली है बिरयानी बनाने के लिए। मोस्टली मैं जो सा यही मीट का पार्ट यूज़ करती हूँ बिरयानी बनाने के लिए। मुझे दूसरा जो सा चिकन का पार्ट है वो थोड़ा ड्राई लगता होता है बिरयानी में। यहाँ मैंने ऑयल लिया है, ऑयल को अच्छी तरह गर्म करके मैं सबसे पहले इसमें अपना चिकन फ्राई कर लूँगी। चिकन को सिर्फ तब तक फ्राई करना है जब इसका कलर चेंज हो जाए और ये दोनों तरफ से 10-15% जोन सा पक जाए। हमें इसको गलाना नहीं है, हम इसको जोन सा पकाएंगे मसाले के अंदर। इससे जो सा फ्राई करने से चिकन है साबित रहता है, मसाले के अंदर बिल्कुल घुल नहीं जाता है, क्योंकि हम लोगों ने जो सा मीट है अच्छा खासा टेंडर खाना होता है, उसको टेंडर करते करते उसके जो से पीसीज अलग होने लग जाते हैं। तो बेस्ट वे यही होता है कि उसको पहले फ्राई कर लिया जाए, वो अंदर से गल जाता है लेकिन बाहर से टूटता नहीं है। जैसे यहाँ पे हमारा चिकन फ्राई हुआ, उसको मैंने जो सा रैक के ऊपर निकाल लिया। साथ में अब इसका जो सा मसाला बनाने की तैयारी कर लेंगे। यहाँ मैंने 1 कप है जो सा ब्राउन अनियन लिया है। अगर ब्राउन अनियन नहीं है, आप फ्रेश वाले को ब्राउन करके उसको इस मसाले में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो रफली चॉप किए हुए 2 टमाटर डाल दिए, 2 टेबलस्पून यहाँ मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया। यहाँ पे हम नेशनल बिरयानी मसाला ले लेंगे। मैं मोस्टली जो सी बिरयानी हूँ डब्बे के ही मसालों से बनाती हूँ।
इसमें जो सा पूरा एक पैकेट है नेशनल बिरयानी मसाले का वो चला जाएगा। अब हम इसको भून के तब तक पकाएंगे जब तक हम हर चीज़ जो सी यकजान ना हो जाए, मसाला जो सा अच्छी तरह से भुन ना जाए। यहाँ पे मैं इसको ढक के थोड़ी देर के लिए पका लूँगी ताकि जो से टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं। इस मसाले को बनाते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन बात फिर वही है कि बिरयानी के थोड़े स्टेप ज़्यादा होते हैं इसलिए कभी कभी बनानी मुश्किल लगती है, लेकिन जब भी मैं बनाती हूँ तो बहुत एहतमाम से बनाती हूँ। यहाँ टमाटर जो से हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं, ऑयल जो सा सेपरेट हो गया। इस पॉइंट पे आके मैं इसके अंदर जो सी है योगर्ट ऐड करूँगी। योगर्ट यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। याद रहे कि योगर्ट जो सी आपने थिक डालनी है, अगर पानी वाली होगी तो बहुत ज़्यादा उसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। ये मैंने ग्रीक योगर्ट ली थी यहाँ पे। उसको पका लूँगी ताकि वो भी मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जैसे हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया, अब इसके अंदर हम अपना चिकन ऐड कर लेंगे। हल्का सा इसको भूनेंगे क्योंकि ऑलरेडी फ्राई है, इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं, इसका पानी जो सा ड्राई हो चुका है ऑलरेडी। इसके बाद मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया जो कि तकरीबन 5 टेबलस्पून था। मैंने ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि ये वैसे ही चिकन है, जल्दी गल जाता है। और फरमाइश थी कि बिरयानी के अंदर आलू भी होने चाहिए, जो कि मुझे पर्सनली बिरयानी के अंदर आलू बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये बेटी की फरमाइश पर बन रही थी। उसने जो कहा मैंने बस इसको वैसे बना के दे दिया ताकि वो खुश हो जाए। इसको हल्का सा हमने मिक्स दिया, उसके बाद इसको हम ढक के तकरीबन 1/2 आवर के लिए पकने के लिए रख देंगे। इतनी देर में हमारा जो सा चिकन और आलू हर चीज़ जो सी टेंडर हो जाएगी। जितनी देर में चिकन गल रहा है हमारा, यहाँ पे हम इसकी राइस बॉईल कर लेते हैं। मैंने अंदाजे से 3 टेबलस्पून जो सा है सॉल्ट डाल दिया क्योंकि मेरे पास जो से 3 कप राइस थे। इसके बाद हम इसमें जो से बिरयानी के खड़े मसाले होते हैं, चावल बॉईल करते हुए डाले जाते हैं, वो सारे डाल लेंगे। प्लेट यहाँ पे इग्नोर कीजिएगा, चूल्हे के पास पड़ी हुई थी, आधा घी उसी के ऊपर जमा हुआ था। ये जो सा हम इसमें डाल देंगे और इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। पानी में जैसे ही बबल आने लगे, यहाँ पे मैंने सोक किए हुए राइस डाल दिए। मैंने इनको 1/2 आवर जो सा सोक किया था। जैसे ही राइस थोड़े लंबे होने लगे और कुछ कुछ राइस हों जो से उसमें बेंड होने लगे, दैट्स मीन राइस रेडी है। उसका पानी मैंने ड्रेन कर लिया। इतनी देर में हमारा जो सा चिकन है और आलू हैं वो अच्छी तरह गल चुके थे। इसके बाद जो हम सबसे मज़े की चीज़ इसमें करेंगे, जिससे इसमें टेस्ट जो सा बिल्कुल अलग से आएगा, हम इसको कोयले का धुआं देंगे। इसके दरमियान में मैंने एक जो सा छोटा स्टील का बॉल रख लिया, उसके ऊपर कोयला रखा, 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के 5 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। अब यहाँ पे बिरयानी की लेयर लगा लेते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं डालूँगी बॉयल राइस, जो से मैं बॉटम पे इसके बॉयल राइस डालती हूँ, उसकी लेयर जो से दूसरे वाले लेयर से थोड़ी थिक डालती हूँ। उसके बाद हम इस पे 1 प्लेट जो सी है चिकन की डाल लेंगे। कोशिश किया करें कि जो सा ज़्यादा मसाला होता है वो टॉप लेयर के ऊपर डालें ताकि ऊपर से नीचे की तरफ जाए और हर तरह से जो सा टेस्ट है राइस के अंदर आए, बजाय इसके कि सारा मसाला जो सा है मिडल वाली में डाल दें तो उससे जो सा टॉप वाले राइस है उनमें वो वाला फ्लेवर नहीं आता है। उसके बाद एक और जो सी लेयर है राइस की बिछा लेंगे, उसके ऊपर अपना जो सा चिकन तैयार किया हुआ है वो फिर से डाल लेंगे। बिरयानी वही है जो से हर घर में बनती है, सेम तरीके से बनती है, बस इसमें कुछ चीज़ें कम ऐड होती हैं, कुछ ज़्यादा ऐड होती हैं, कोई किसी तरीके से बनाता है जो इसका टेस्ट डिफरेंट कर देता है। यहाँ बिरयानी की जो सी लास्ट लेयर है वो भी लग चुकी है। सबसे आखिर में मैं इसके ऊपर हमेशा वाइट राइस है जो से ज़रूर ऐड करती हूँ। मैं इन्हीं के ऊपर कलर डालती हूँ क्योंकि अगर आप चिकन के ऊपर डालते हैं वो राइस के ऊपर नहीं लगता है और चिकन का कलर जो सा अजीब सा हो जाता है,
उसके बाद इसके अंदर मैं मिंट डालूंगी। मिंट मुझे पर्सनली बिरयानी में पसंद नहीं है क्योंकि ये काला हो जाता है, लेकिन क्योंकि इसका फ्लेवर अच्छा होता है इसलिए मैं इसको एंड में ऐड करती हूँ। साथ में इसके कुछ लेमन के स्लाइसेस जाएंगे। मैं हमेशा टू कलर जो से यूज़ करती हूँ, एक ऑरेंज फूड कलर और एक येलो फूड कलर। इससे जो सी चावलों की टू टोन आती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, और मैं इसको कभी भी पानी में मिक्स करके नहीं डालती, उससे जो से चावल हैं बहुत ज़्यादा कलर पकड़ लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो व्लॉग देखने को मिले। यहाँ पे मैंने इसको दम लगा दिया था तकरीबन 15 मिनट के लिए। हमारी बिरयानी जो सी बिल्कुल रेडी है, इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। इसको मैंने जीरे और सैलड के साथ सर्व किया था। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।